जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस मिलिट्री चैनल पर। गाइस आज एक इंटरनेशनल मुद्दे की खबर है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे कंटेंट हैं जो हमारे परीक्षा उपयोगी बनेंगे और हमारे देश के हित के लिए भी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं गाइस। क्योंकि आज ही अगर मैं बात करूँ, वैसे 28 अगस्त को, आज तो 29 अगस्त है, 28 अगस्त को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने, जो चाइना का है, नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने एक मैप जारी किया है गाइस, ठीक है। और उस मैप में एक नया मैप जारी किया है, इससे पहले 2015 को भी मैप जारी किया गया था और वहाँ पे भी कई सारे नाम हमारे इंडिया के उन्होंने मानचित्र में दर्शाए थे चाइना ने गाइस। अब कल की ही बात है, 28 अगस्त को, 28 अगस्त में इन्होंने फिर वेबसाइट पर अपनी मतलब नया मैप बनाकर हमारे इंडिया के कई नाम चाइना ने दर्शा दिए गए हैं गाइस। एक तरह से बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा विवाद क्रिएट कर दिया है चाइना ने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की और अक्साई चीन की मैं बात कर रहा हूँ। अक्साई चीन को इसने अडेप्ट कर लिया था 1962 के बैटल ऑफ जो हुआ था चाइना का युद्ध, उसमें उसने ज़बरदस्ती धोखे से 1962 में ही अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था और उसी के बिल्कुल बगल से ही, उसी के सहारे LAC लाइन खींची गई, जिसका पालन भारत और चाइना भी कर रहे थे। 28 अगस्त को अचानक चाइना एकदम उतावला हो जाता है और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर नया मैप अपलोड कर दिया जाता है चाइना की तरफ से, जो कि एक तरह से आंतरिक और बाहरी जो डिस्टर्बेंस है उसको न्योता देने का काम चाइना ने फिलहाल कर दिया है। अभी हमारे विदेश मंत्री साहब ने, एस जयशंकर साहब ने NDTV के इंटरव्यू में बोला है कि चाइना की ये एक आदत बन चुकी है, ये मैप जारी करता है, उसके बाद फिर अपने अधिकार क्षेत्र को वहाँ पर क्या करता है, दावेदारी करता है कि हमारे क्षेत्र हैं, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। ये एस जयशंकर साहब ने अपने बयान में कहा है, ये एक आदत है चाइना की और ये आदत से मजबूर है गाइस। ऐसे कैसे दावेदारी ठोक देगा अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन पर, ये हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड में भारत की इमेज को बहुत बड़ा धक्का सा है। अचानक इस तरह की विवाद क्रिएट करता है चाइना, साथ ही उसने ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर पर भी अपना दावा ठोक दिया है कि ये भी मेरे एरिया में है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, यहाँ पर मेरा डोमिनेटेड पावर रहेगा। अब आप बताइए गाइस, इस तरह की वारदातें चाइना खुलेआम कर रहा है, ना ही वो इंटरनेशनल कोर्ट की बात मानता है, ना ही वो UNO की बात मान रहा है, फिर भी आ बैल मुझे मार जैसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं चाइना ने गाइस। बेशक भारत की बाउंड्री चाइना के साथ लगी रहती है, लगभग 3488 किलोमीटर की बाउंड्री चाइना के साथ है हमारी। सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर की, और चाइना की हमारे साथ लग रही है 3488 किलोमीटर की गाइस। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1127 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे भारत देश से लगती है, मतलब चाइना से लगती है अरुणाचल प्रदेश की गाइस। और अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है दक्षिण तिब्बत कहता है, क्योंकि उसने तिब्बत को भी हड़प लिया था 1960 के दशक में ही, लगभग 1959 में ही। और तिब्बत के जो दलाई लामा हैं, जो 14th नंबर के हैं, वो आज हमारे यहाँ पर हैं, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हिमाचल प्रदेश में हैं, उनको हमने जगह दे रखी है, वो हमारे शेल्टर बने हुए हैं दलाई लामा साहब। कई सारे पॉइंट्स हैं चाइना के अगेंस्ट में। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें, चाइना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये इसकी जो मजबूती है वो 1912 से ही लगातार बढ़ती जा रही है, और 1912 से लेकर आज 2023 तक ये अपनी पावर को इतना एक्सटेंड कर लिया है कि इसको कोई रोकने वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वीटो पावर का परमानेंट मेंबर है ये। वीटो पावर 5 कंट्री के पास है स्थायी सदस्यता, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस गाइस। और ये तब की बात है जब 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, ये 5 पावर हैं परमानेंट गाइस। अब 1945, आज 2023,
कई सारे ट्वीट किए गए थे, कई सारे बदलाव के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई यूएन में, लेकिन मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप में देशों को शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है 1945 कहाँ अब 2023 कहाँ, जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर आया है गाइस। अब 1945-46 में हमारी जनसंख्या 35-36 करोड़ थी भारत देश की, अब आज देख लीजिए आप 142-43 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो 8.5 बिलियन हो गई है गाइस, 850 करोड़ आप देख सकते हैं। तो मेंबरशिप परमानेंट की बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ये 5 मेंबर ऑटोमेटिक बने हुए तब से 1945 लेकर अब तक दावेदार, और जहाँ चाहें वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर्स फाड़ के फेंक देते हैं चाइना जैसे कंट्री जैसे लोग, और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनको सबक सिखाया था चंगेज खान ने, गेंगिस खान, और तभी इन्होंने अपनी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी 27-28 किलोमीटर लंबी, क्योंकि चाइना को सब कुछ ख़त्म कर दिया था मंगोलिया ने गाइस, और हम नहीं चाहते कोई देश मंगोलिया बन जाए फिर चाइना पर अटैक कर सके, क्योंकि इस तरह से ये अगर उतावलापन दिखाएगा तो कई सारे देश इसके खिलाफ हो जाएंगे, कई मुल्क इस पर टूट पड़ेंगे, अगर हमला हो गया तो ये अपने आप को भी नहीं संभाल पाएगा। वैसे 40% जो चाइना है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, मात्र 60% चाइना लोग रहते हैं। हम नहीं चाहते कोई बेगुनाह इधर से उधर भटकता रहे या मारा जाए, क्योंकि दोनों देशों में आप जानते हो तबाही दोनों देशों की होती है, और बाकी देश तो बस रोटियां ही सेकते हैं, और आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया में कौन रोटी सेक रहा है। बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट बना हुआ है बहुत बड़ा हमारे अरुणाचल प्रदेश का, जिसने कई सारे नाम बदल दिए हैं और अक्साइन चीन पर भी अपना दावा ठोक रहा है। कभी कभी सिक्किम में डोकलाम विवाद का इनका रहता है महत्वपूर्ण बिंदु, और हमारे एलएसी पर भी हमारी सेनाएं आमने सामने चाइना के खड़ी हुई हैं गाइस। ये कब तक ऐसा हम लोग डिप्रेशन में जीते रहेंगे? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आर्टिकल 51 का पालन कर रहे हैं गाइस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस का हम पालन कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? ये हमको घर में घुसकर हमें धमकी दे रहा है, यहाँ तक कि हमारे एरिया के, हमारे हिंदुस्तान के मैप को अपने मैप में शो कर रहा है। ये कहाँ तक का न्याय है गाइस? किस तरह का न्याय है ये? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं दिख रहा हमको? ये तानाशाही नहीं लग रही हमको चाइना की? चाइना के शी जिनपिंग की अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका में, याद रखना गाइस। काफ़ी सारे हमारे, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये हमारे पॉइंट परीक्षा प्रयोग भी रहेंगे और जागरूकता के लिए हमारे पॉइंट भी रहेंगे गाइस। यहीं से हमारे कई सारे करंट अफेयर क्वेश्चन भी बनते हैं, और जो बच्चे जीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं मेंस वेंस में, उसमें भी काम आएगा, ठीक है? मतलब हमें जागरूक रहना है न्यूज़ से हमें गाइस। तो ब्रिक्स सम्मेलन में शी जिनपिंग साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई थी, हेलो भी किया था, बधाई भी दी थी शी जिनपिंग को भी, लेकिन 24 अगस्त को ये मीटिंग का कोई प्रभाव नहीं दिखा। शी जिनपिंग ने टेढ़ी आँख इंडिया की तरफ फिर कर दी, और एक बहुत बड़ा तमाचा बिल्कुल इंडिया के गाल पर मारा है। अब इसके बदले में देखते हैं कि हम कैसी रणनीति बनाते हैं। क्या चाइना इतना एक्टिव हो गया है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रदेश, अपनी जगह मान रहा है, अक्साई चीन को अपनी जगह मान रहा है, सिक्किम को भी अपनी जगह मान रहा है, यहाँ तक कि जो अदर कंट्री पे अपनी दावेदारी ठोकी है, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर, उस पर भी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। मैं तो ये कहता हूँ गाइस, वैसे एक राय है, अगर सभी कंट्री एक तानाशाही और आधिपत्य से संप्रभुता के तहत अगर हम चाहें तो हम चाइना को भी दबाव डाल सकते हैं, लेकिन हमारे और हमारे आसपास जितने भी कंट्री से हमारे संबंध हैं वो अच्छे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी देश का कोई नुकसान हो, वो अपनी सीमा के पास अपने को सुरक्षित रखे, हम अपनी सीमा के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि सुलझा पाएंगे मैटर को, क्योंकि अभी तक डोकलाम वाला और एलएसी वाला, ऑक्साइन चीन वाला मैटर नहीं सुलझा पाए हैं। कैसे लगभग दिसंबर 2021 और 20 में चाइनीज सेना अंदर घुसकर किस तरह से हमें मारती है, और किस तरह से हमारे सैनिक भी चाइना के सैनिक में झड़प होती है, कई सारे सैनिक इस झड़प पे मारे जाते हैं और मारे जाएंगे, और ये मुद्दा अब तक हमारी केंद्र सरकार नहीं सुलझा पा रही है। जम्मू कश्मीर की सीमा लग रही है चाइना से, लद्दाख की लग रही है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे हॉट स्पॉट हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ चाइना बार बार हमें टॉर्चर कर रहा है। बेशक हमने जम्मू कश्मीर में
यूटी बना दिया है, लद्दाख को अलग बना दिया है, सबसे बड़ी यूटी लद्दाख हो गई है। जम्मू कश्मीर को भी हमने बना दिया है 2019 वाले में, और 370 हटा दिया और साथ में 35A भी हटा दिया। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ भी कह रहे हैं कि कब तक आप जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए रखेंगे, इसे राज्य का दर्जा कब देंगे आप। बहुत सारी मुसीबतें हैं, जैसे मणिपुर का विवाद भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। देखिए आजकल में फिर आग सुलझ गई वहाँ पर। गाइस बहुत सारे मैटर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल्स, तो ये वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि आप अवेयर रहें, ठीक है। किसी भी चीज़ को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता अपने शब्दों से, शब्दों का इस्तेमाल मैं जानबूझकर नहीं करता, सही तरीके से मैं सही चीज़ों को लेकर आता हूँ। कई सारे सोशल एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से, बीबी न्यूज़ के माध्यम से, दैनिक भास्कर रिपोर्ट के माध्यम से, हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से, सारी चीज़ें मैटर तभी बन पाता है, तभी हम आपको मिक्स करके सारी चीज़ों को एक साथ बताते हैं गाइस। इसलिए जो मुद्दा बना हुआ चाइना का इधर अरुणाचल प्रदेश और LAC पर ऑक्सिन चीन को लेकर, ये बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। और इसमें हमारे विदेश मंत्री साहब ने NDTV इंटरव्यू में कहा है कि इस तरह की वारदात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाइना की एक तरह से आदत बन चुकी है, वो दावेदारी अगर करता है तो करने से क्या अरुणाचल प्रदेश उसका हो जाएगा, या फिर चीन जो है वो ऑक्सिन चीन जो है वो अपने पास रख लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दावेदारी ठोकने से। हमारे विदेश मंत्री SJ का बयान आया है गाइस। तो इस कंडीशन में हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे? चाहे हमारे विदेश मंत्री साहब ने बोल दिया है कि ऐसे दावों से हमें कुछ नहीं एहसास होता, ना हम डरने वाले हैं, लेकिन एक हिम्मत तो टूट जाती है हमारे देशवासियों के अंदर, क्योंकि इस तरह का जो मुकाम और जो आधिपत्य जमाने का एक बहुत बड़ा हिम्मत की है चाइना ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसने 2015 में भी किया, 2021 में भी किया चाइना ने, लेकिन ये एक तरह से हमें अंदर से डिप्रेस कर रहा है, अंदर से प्रेशर डाल रहा है चाइना। और कब तक होता रहेगा, इसकी बात हमने UN में भी रखी, लेकिन UN में ऑलरेडी आपको पता है परमानेंट मेंबर चाइना ही है, ठीक है। 5 कंट्री हैं, अदर कंट्री को मौका नहीं मिल पा रहा है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई फिर भी नहीं मौका मिल पा रहा है, ठीक है गाइस। छोटा सा मैटर था ये, छोटा सा इशू था, क्योंकि चाइना इस समय अपने आप को इम्प्लीमेंट करता जा रहा है। हाल ही में ताइवान की तरफ भी इसने देखा जाए कुछ अपने फाइटर जेट भी उड़ान भरी थी ताइवान की सीमा के अंदर, तो वहाँ की जो फीमेल राष्ट्रपति हैं वो भी तैयार थी भारत देश का साथ देने के लिए, अन्य देशों के साथ मतलब वार्तालाप करने के लिए, कि हम किसी प्रकार से चाइना के साथ समझौता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से हम चाइना के साथ समझौता नहीं करेंगे। फिलीपींस भी, मलेशिया भी, दक्षिण चीन सागर पे तो अधिकार है ही नहीं किसी का, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हमारे नाम से ही दक्षिण चीन सागर पड़ा है। दक्षिण चीन सागर का मुद्दा कोर्ट में चला था गाइस, लेकिन फिलहाल वो मुद्दा कामयाब नहीं हो पाया, और कोर्ट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट जो हेडक्वार्टर द हेग में है, चाइना ने किसी प्रकार की बात नहीं मानी गाइस। दबदबा स्थापित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हमारे भारत देश कम नहीं, भारत देश के अंदर हमारे अंदर काफ़ी अंदर मतलब एक तरह से भावना है देश के प्रति, और देश के प्रति हमारी सहानुभूति भी रहेगी। अगर जब सरकार चाहेगी हम सब तैयार रहेंगे अपने देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए। बस एक एक भारतीय के अंदर सारी ताकत है, बस टाइम है आजमाने का। अगर इस तरह की हरकतें चाइना करेगा तो हम आर्मी का साथ, सरकार का साथ, हमारी पूरी पब्लिक देगी। हम भी बहुत बड़ी संख्या में तादाद में हैं गाइस, और हमारे अंदर यूनिटी भी है, ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे धर्म के लोगों के अंदर यूनिटी है। बेशक यहाँ की जियोपॉलिटिक्स होती हो वो अलग बात है, अगर बात बाहरी शक्ति से लड़ने की आएगी तो हम एक जरूर होंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह की मतलब परिस्थितियाँ पैदा हों, ठीक है गाइस, हम नहीं चाहते। इसलिए हम आर्टिकल 51 का भी पालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बहाल चाहते हैं, और आज भी हम चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्यों ऐसा किया, किस लिए किया, ये सारे कारण हम जानना चाहते हैं। हमारी जनता या हमारे प्रधानमंत्री चाइना से बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब 24 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर उनके बीच में वार्तालाप भी हुई थी, लेकिन किस तरह की वार्तालाप हुई ये मीडिया ने शो भी नहीं किया था, कि चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ क्या क्या वार्तालाप हुई ये ज़रूरी नहीं समझा मीडिया ने, और हमारे बीच में कोई बात नहीं आई।
अगर कोई पॉजिटिव बात होती या कुछ हित में बात होती तो शायद बात आती, तो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हुई होंगी इसलिए बात जो है सामने नहीं आई है। और वो 4 दिन बाद 28 अगस्त को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय पर वहाँ पर इन्होंने ट्वीट कर दिया और वेबसाइट पर अपलोड कर दिए नाम और अरुणाचल प्रदेश ऑक्साइड चेन को अपने मैप में शो कर लिया, एक नया मैप जारी किया चाइना ने। गाइस वहाँ पर ट्विटर नहीं है, वहाँ पर एक्स है, एक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वहाँ ट्विटर था, अब वहाँ कहते हैं एक्स। वहाँ भी ट्वीट कर दिया गया है, मतलब सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हो रहा है और भारत की इमेज मतलब एक तरह से खतरे में है। आंतरिक मामले, बाहरी मामले, भारत कैसे सुलझाएगा, अगली न्यूज़ के साथ हम लोग पेश करेंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखें, ठीक है, अपने परिवारों का भी ख्याल रखें। त्यौहार है, फेस्टिवल है और खुशी से आप रहिएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।